हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू टीचर्स डेस्क। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट बुक्स के बारे में। ओके, जो कैंडिडेट सीटेट या फिर स्टेट टेट्स एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल है। ओके, तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, आपका स्ट्रीम कोई भी हो, साइंस हो या फिर आर्ट्स हो या फिर कॉमर्स हो, आप अपने सब्जेक्ट पर अच्छे कमांड यदि नहीं बनाए हैं तो ऐसे कंडीशंस में सीटेट निकालना थोड़ा कठिन हो सकता है। और खास करके पेपर वन में, पेपर वन चूंकि साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों प्रकार के स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए सेम होता है, जिसमें मैथ्स और इन्वायरमेंटल साइंस भी पूछा जाता है, बाकी तीन पेपर सेम रहते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप यदि मैथ को स्ट्रांग नहीं करोगे तो थोड़ा कठिन हो सकता है। इसीलिए पेपर वन की तैयारी के लिए तीनों प्रकार के कैंडिडेट्स को मैथ्स और ईबीएस को स्ट्रॉन्ग करना आवश्यक है। और बाकी तीन पेपर हैं पैडागोगी की, ओके, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोगी, अगला है इंग्लिश एंड पैडागोगी और एक है हिंदी एंड पैडागोगी। तो इस तरह मिलके ये पांच सब्जेक्ट हो जाते हैं। ओके, तो ये पेपर वन की तैयारी के लिए। लेकिन पेपर टू में जो है वो सिलेबस थोड़ा सा बदल जाता है साइंस के लिए तथा आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए। साइंस के लिए सिलेबस हो जाता है मैथ्स, साइंस, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोगी, हिंदी एंड पैडागोगी, इंग्लिश एंड पैडागोगी, ये साइंस के सिलेबस है। जबकि कॉमर्स और आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए वहाँ पे उनको सोशल साइंस पढ़ना पड़ता है साइंस की जगह। ओके, और मैथ्स भी उनका हट जाता है, तो बाकी सारा चीज सेम रहता है। ओके, तो सबसे पहले आप अपने बेसिक नॉलेज को क्लियर करेंगे, स्ट्रांग करेंगे, उसके बाद आप यदि सीटेट के इन रिकमेंडेड बुक्स को पढ़ते हो तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। ओके, तो सबसे पहले आप क्लासिक्स से लेकर 10th तक के सारे एनसीईआरटी बुक्स पढ़ डालिए, जिससे आपका बेसिक नॉलेज क्लियर हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, और उसके बाद आप इन सारे बुक्स को पढ़िए तो आप सीटेट या फिर स्टेट टेट्स के एग्जामिनेशन को बेहतर तरीके से क्रैक कर पाएंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं आगे की स्लाइड्स में कौन कौन से बुक हैं जिन्हें हमें पढ़ने चाहिए, जिसके साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, ये है हमारी पहली बुक, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ये है अरिहंत की बुक। ओके, इस पेपर से आपको 30 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेपर वन और पेपर टू दोनों की तैयारी करवाई जाएगी। ये बुक आप यदि लेते हो तो पेपर वन और पेपर दो दोनों के लिए है। तो यह साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों प्रकार के स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए है, तो आप इसे ले सकते हो, ठीक ठाक बुक है ये। चलिए आगे की बुक्स देखते हैं। ये है अरिहंत की बुक, पर्यावरणीय अध्ययन के लिए यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के लिए। तो ये है कक्षा 1 से 5 के लिए। जैसा कि मैंने कहा था कि कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक क्या यदि आप तैयारी करते हो तो वहाँ पर आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए सब सारे सब्जेक्ट सेम रहते हैं। तो ये बुक आप यदि पेपर वन की तैयारी कर रहे हो तो साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों प्रकार के स्ट्रीम के स्टूडेंट्स इसे ले सकते हैं। ओके, चलिए आगे की स्लाइड्स में और बुक्स के बारे में जानते हैं। यह है इंग्लिश लैंग्वेज एंड पैडागोगी की बुक, जो अरिहंत की है। ये भी पेपर वन और पेपर टू दोनों की तैयारी करवाती है, और ये भी साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों प्रकार के स्टूडेंट्स ले सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश पेपर वन और पेपर टू में दोनों के लिए होता है। ओके, सॉरी, तीनों प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए होता है। और ये बुक है गणित एवं शिक्षा शास्त्र की। ओके, ये पेपर वन टू फाइव के लिए, सॉरी पेपर वन के लिए है, जो कक्षा 1 से 5 के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए आप शिक्षक बनेंगे, जिसके लिए ये बुक है। ओके, तो ये बुक भी आप ले सकते हो। आप देख सकते हैं मैंने अरिहंत के लगातार आप लोगों को 3-4 बुक्स दिखाए, तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में अवेलेबल है, आप अपनी सुविधा के अनुसार इन सारे बुक्स को खरीद सकते हो। ओके, और ये बुक है दिशा पब्लिकेशन की, जो कंप्लीट गाइड है। आप देख सकते हैं ऊपर में लिखा गया है स्टडी गाइड फॉर सीटेट। तो यहाँ पर आपको एक ही बुक में सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स के मटेरियल मिल जाएंगे, तो ये कंप्लीट गाइड है, ये क्लास 1 to 5 के टीचर्स के लिए है। ओके, और ये पेपर वन की तैयारी करवाते हैं, जैसे आप देख सकते हैं पेपर वन के लिए ये बुक है। ओके, तो इस बुक को भी ले सकते हो आप, इसमें काफ़ी अच्छे कंटेंट्स दिए गए हैं और ये गाइड भी हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में उपलब्ध है। और ये बुक आप देख सकते हैं किरण पब्लिकेशन की बुक है। मैं बता दूं, किरण पब्लिकेशन बुक की खासियत यह होती है कि इसमें एक्यूरेसी रेट बहुत अच्छा होता है और कंटेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से डील किया जाता है। तो आप इस बुक को भी
ले सकते हो। ओके, आप देख सकते हैं ये कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षक यानी पेपर 2 के लिए है, और यहाँ पर आपको गाइड मिल जाएगा, ये कंप्लीट गाइड है सीटेट पेपर 2 का, गणित एवं विज्ञान के लिए है। इस प्रकार का आपको सोशल साइंस के लिए भी बुक मिल जाएगा, सेल्फ स्टडी गाइड आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, और साथ में प्रैक्टिस बुक भी दिया गया है, यानी आप 2-4 प्रैक्टिस सेट्स भी इसमें लगा सकते हो। और साथ ही साथ 2011 से 2014 तक के हल प्रश्न पत्र हैं, लेकिन आप अपडेटेड बुक लेंगे तो उसमें और भी रिसेंट में हुए एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे, तो ये काफ़ी अच्छी बुक है, आप इसे भी ले सकते हो। और ये आप देख सकते हैं कि सीटेट और टेट्स में जो पिछले कुछ सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके प्रश्नों का संग्रह है। आप यहां पर देखेंगे कि 2011 से 2017 तक के जो कोई भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग स्टेट्स में, जैसे सीटेट हो गया, ये तो सेंट्रल टेट है, अगला यूपी टेट, छत्तीसगढ़ टेट, हरियाणा टेट, राजस्थान टेट, ओके, उत्तराखंड टेट, इन सारे टेट्स में स्टेट्स में जो कुछ भी क्वेश्चन पूछे गए हैं टेट में, उन सभी क्वेश्चन का संग्रह इसमें दिया गया। आप देख सकते हैं 3000 से ज्यादा क्वेश्चन है इसमें। तो ये आप लोग है तो अलग अलग स्टेट्स में टेट के एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस बात का आइडिया आप लोगों को लग जाएगा। ओके, तो ये बुक काफी अच्छी है, आप इसे ले सकते हो, भले इसमें एरर है लेकिन आपको आइडिया मिल जाएगा एटलीस्ट कि आखिर तैयारी कैसी करनी है। और ये बुक है पियर्सन पब्लिकेशन की। ओके, आप देखिए पियर्सन पब्लिकेशन की ये बुक है और ये काफी बेहतरीन बुक है। ये एक एक करके इंडिविजुअली अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए आती है, जैसे साइंस एंड पेडागोगी, मैथमेटिक्स एंड पेडागोगी एटसेट्रा, जो मैं आगे की स्लाइड्स में भी दिखा दूंगा। तो ये बुक काफ़ी अच्छी होती है, इसमें कंटेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से डील किया गया होता है, पेज की प्रिंटिंग क्वालिटी और कंटेंट्स के टाइप सब कुछ अच्छे होते हैं, तो ये बुक भी आप ले सकते हो। ओके, और आगे की स्लाइड्स में हम लोग जानेंगे नेक्स्ट बुक के बारे में। आप देख सकते हैं इसमें पियर्सन पब्लिकेशन के सारे बुक्स की डिटेल यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सॉरी मतलब कौन कौन से बुक है पियर्सन पब्लिकेशन की, तो आप देख सकते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी की बुक है, हिंदी भाषा शिक्षण की बुक है, मैथमेटिक्स एंड पेडागोगी की बुक है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड पेडागोगी की बुक है, साइंस एंड पेडागोगी की बुक है, और अगला है सोशल साइंस एंड पेडागोगी की बुक। तो आप पियर्सन पब्लिकेशन की इन सारे बुक्स को ले सकते हो, ये इंडिविजुअल बुक्स आते हैं, थोड़े से शायद महंगे पड़ेंगे लेकिन बहुत अच्छी बुक है, आप इसे ज़रूर ले सकते हो। और इसमें आप देख सकते हैं विली पब्लिकेशन की बुक, जो काफ़ी बेहतरीन बुक होती है, इसकी प्रिंटिंग और क्वालिटी सब कुछ बेहतर होता है, इसमें जो कंटेंट्स को डील किया जाता है वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया जाता है, आपको सीटेट को क्रैक कैसे करना है इसकी स्ट्रैटेजीज भी इसमें मिल जाती है, मतलब सिलेबस का संपूर्ण ज्ञान मिलता है और क्रैक करने के तरीके भी आपको मिलते हैं। आपको इसमें टाइम टाइम पे गाइड किया जाएगा, सबसे पहले 2-4 पृष्ठों में उन्हीं सारी बातों को बताया गया है कि आप किस प्रकार से तैयारी करेंगे कि आप सीटेट को आसानी से क्रैक कर पाएंगे। तो ये काफ़ी बेहतरीन बुक है, ये पेपर आप देख सकते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की ये बुक है, तो अलग अलग इंडिविजुअल भी बुक्स आता है विली का और एक साथ कंबाइंड गाइड भी आता है, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हो। ये पेपर 1 की बुक है, आप देख सकते हैं क्लास 1-5 के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं, ये है आर गुप्ता की बुक। आर गुप्ता की बुक भी काफ़ी बेहतर होती है, बिल्कुल पियर्सन पब्लिकेशन की तरह, तो आप इसे भी ले सकते हो, इसमें भी एक्यूरेसी रेट बहुत अच्छा है और कंटेंट्स को भी बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। ओके, और ये है लुसेंट की बुक। आप जानते हैं कि वर्तमान समय में लुसेंट काफ़ी फेमस पब्लिकेशन बन चुका है, इसमें एक्यूरेसी रेट, पेज के टाइप्स, कंटेंट्स डीलिंग सब कुछ बेहतर तरीके से होता है, तो आप इस बुक के लिए भी जा सकते हो, इस बुक को आप खरीद सकते हो। ये पेपर 1-5 की बुक है। ओके, और ये है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जो लुसेंट की ही इंडिविजुअल बुक है, उसमें कंबाइंड बुक था, उसमें सारा चीज़ एक ही साथ दिया गया था, और ये अलग से बुक आती है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की, तो आप इसे भी खरीद सकते हैं, बहुत बेहतरीन बुक है। और ये अगला बुक है विली का ही, पेपर 1 के लिए। ओके, इसमें साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों प्रकार के स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए सेम रहता है, इसलिए इसमें ये मेंशन नहीं किया गया है कि सोशल साइंस का है या फिर साइंस का है या फिर कॉमर्स का है। ओके, तो ये भी आप ले सकते हो। और ये आर गुप्ता की बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बुक है, कुछ देर पहले भी हमने एक बुक देखी आर गुप्ता की, तो ये सारे बुक्स भी काफ़ी बेहतर होते हैं, आप इन्हें ले सकते हो।
अगला है ये अरिहंत का सक्सेस मास्टर। इस बुक की खासियत यह है कि इसमें एक ही बुक में सारे सब्जेक्ट्स को डील किया गया है, यानी यदि आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो उसमें आपको मैथ, साइंस, पैडागॉजी सब कुछ मिल जाएगा ओके एक ही बुक में। तो ये पेपर 1 से 5 की बुक है, इसलिए इसमें किसी सब्जेक्ट को मेंशन नहीं किया गया है कि ये साइंस का है, आर्ट्स का है या फिर ये कॉमर्स के लिए है, क्योंकि तीनों के लिए सिलेबस सेम होता है। तो पेपर 1 to 5 के लिए, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, सॉरी पेपर 1 के लिए, तो इसीलिए इसमें कोई भी मेंशन नहीं किया गया कि किसका है ओके। तो आगे की स्लाइड्स में लोग जानते हैं नेक्स्ट बुक के बारे में, जैसे कि ये सीटेट कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है। मैंने जैसा कहा था कि ये पेपर 1 के लिए है और इसीलिए इसमें भी साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स कुछ नहीं लिखा गया है। तो काफ़ी बेहतरीन बुक है, आप इसे ले सकते हैं। ऑनलाइन अवेलेबल होती है ये बुक, ऑफलाइन कम ही मिलती है। ये बुक 400 के करीब में आ जाएगी, आप इस बुक को भी ले सकते हो। और आप देख सकते हैं इसमें मेंशन किया गया है कि ये पेपर 2 सामाजिक विज्ञान या फिर अध्ययन की है, क्योंकि वहाँ पे सिलेबस बदल जाता है, तो आप इस बुक को भी ले सकते हो ओके। अगला बुक है अग्रवाल पब्लिकेशन की बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो ये भी काफ़ी बेहतर बुक होती है, आप देख सकते हैं ये बेस्ट सेलिंग बुक है, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा बिकती है ये बुक। और यहाँ पर आप लोगों को कंटेंट्स के डीलिंग, पेज की क्वालिटी, एक्यूरेसी बहुत अच्छा तरीके से बताया गया है इसमें, तो ये बुक भी आप ले सकते हो ओके। और ये है अग्रवाल पब्लिकेशन के बाकी सारे बुक्स की लिस्ट कि वो कौन कौन से बुक्स छापता है सीटेट्स को लेकर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे संस्कृत भाषा के लिए है, हिंदी भाषा के लिए है, विज्ञान के लिए है, सामाजिक अध्ययन के लिए है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, पर्यावरणीय अध्ययन, गणित और इंग्लिश पैडागॉजी की बुक। तो इन सारे बुक्स को अग्रवाल पब्लिकेशन छापता है सीटेट एग्जामिनेशन के लिए, तो ये भी काफ़ी बेहतर पब्लिकेशन है, आप इस बुक को भी ले सकते हो ओके। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आई होप आप लोगों को आइडिया मिल गया होगा कि आपको कौन सा बुक खरीदना चाहिए। और यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर आवर वीडियोज़, एंड इफ़ यू आर न्यू इन माई चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।